यस, आपको अपनी एक और नई स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, नाम है हर्षिता मिश्रा, जिसकी ऑल इंडिया 63 रैंक है। और हर्षिता जो है वो कानपुर को बिलोंग करती है, और हर्षिता के बारे में मैं कुछ चीजें बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी बधाई दूंगा हर्षिता कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, और आपका जो एक साल एक्स्ट्रा दिया उसका एंड रिजल्ट अच्छा आया। थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से है, क्योंकि लास्ट ईयर जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुए हम तो, कि बहुत कम रैंक आई और पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे किसी तरह अपने आप को संभालते हुए पढ़ाई फिर से चालू की, और काफी सारे बेसिक्स क्लियर नहीं थे तो फिर उनको भी क्लियर किए इस साल। बिल्कुल हाँ, मैं आप सभी बच्चों को एक बात और बताना चाहूंगा जो ये सेशन सुन रहे हैं, कि लास्ट ईयर हर्षिता की 680-685 के आसपास रैंक थी, और जब इस रैंक के बाद इसने मुझसे बात की, ये हर्षिता मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो मैंने ये कोशिश कर रही थी कि एनआईटी रायपुर ले ले या हैदराबाद, पर मन में कहीं ना कहीं था कि नहीं सर, मुझे ऊपर के 4-5 एनआईटी जाना है। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब हमने रात को बात की तो मैंने एक ही बात बोली थी कि बेटा जो होता लाइफ में अच्छा होता, अच्छा है कि 680 रैंक है, एक साल और ड्रॉप ले लो। तो पहले थोड़ा सा मन में ये था कि सर ऑलरेडी एक ड्रॉप हो चुका, एक ड्रॉप और। ये मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, कई बार जो ड्रॉप लेने से डरते हैं फर्स्ट या सेकंड में, उन सब बच्चों के लिए बहुत आइडियल स्टूडेंट है। तो मैंने एक ही बात बोली थी और मुझे आज भी याद है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इसका पता बाद में चलता है। काफी हिम्मत करके इसने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की और पूरे एक साल कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की, और एंड रिजल्ट आपके सामने है कि ऑल इंडिया 63 रैंक है। और 63 रैंक क्या होती है आप समझ सकते हैं, यानी एनआईटी का पहला कॉलेज मिलेगा, इसको बिल्कुल पक्की बात है। तो हर्षिता, ये जो आपके संघर्ष की कहानी है, पहले तो गर्ल्स को ड्रॉप, पहले ड्रॉप के ही लिए काफी रोका जाता है, फिर सेकंड ड्रॉप, आप कानपुर जैसी सिटी में हो, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए जो आप, मैं कहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि क्या होता है कई बच्चे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, पर आज का ये कंप्रोमाइज कई बार बाद में जाके बहुत भारी पड़ता है, जो आपने नहीं किया। देखिए आज आपका भले एक साल लगा, पर अब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक दो साल कहां गए। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पहले तो सर ड्रॉप के साथ तो हम कभी रहे नहीं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हुआ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस से, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रही है कि मुझे किसी तरह 60% बनाने थे, क्योंकि यहाँ पे यही बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है कि 60% ही बनते थे। तो वही जब मैंने स्टार्ट किया बीएससी, तो सबसे पहले 60% बनाने पर पूरा जोर दिया। उसके बाद जब 60% किसी तरह लगा कि नहीं अब तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे 67% इस समय हैं, तो जब ये लगा कि नहीं अब आगे कुछ सोचना होगा, क्योंकि बीएससी का मतलब फाइनल ईयर का पेपर हो गया था मेरा, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं ये एमसीए भी कुछ होता है, तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें सर्च की। उसके बाद फिर किसी तरह 2019 का बहुत पढ़ाई करके किसी तरह उसको दिया, तब भी रैंक बहुत अच्छी आ सकती थी, बट कहीं ना कहीं डर हो गया, या उसके लिए पहले से कहीं प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए वो पेपर में रैंक खराब ही आई। उसके बाद फिर नहीं, रैंक खराब नहीं आई थी, लास्ट ईयर भी आपकी रैंक खराब नहीं आई थी, पर वो रैंक नहीं आई थी जिसपे कोई अच्छा एनआईटी मिले। जी हाँ बिल्कुल। तो पहले तो काफी सोचा कि हैदराबाद जाना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि बीएचयू में भी एक ऐसी रैंक थी जो वो भी मिल जाता हमें, लेकिन फिर धीरे धीरे सोचा कि नहीं, अगर अब कॉम्प्रोमाइज, बस वही बात होगी कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और ये एक लास्ट डिग्री है, तो किसी अच्छी जगह से अगर करेंगे तो इसका बेनिफिट रहेगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे सोचा, आपसे भी बात की, बहुत सारे लोगों से बात की, तो लास्ट में यही था कि डिसीजन तो मेरा ही था, तो और रिस्क भी मेरा ही था, तो सपोर्ट तो सभी ने किया, पूरी फैमिली ने किया, बट एट द लास्ट उन्होंने यही बोला कि ये सब तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम कर सकती हो इससे बहुत ज्यादा अच्छा, मेहनत कर सकती हो और ले लोगी, तो बाद में ये सब फिर बहुत छोटी बातें लगने लगेंगी। तो फिर स्टार्ट किया, आपकी पेन ड्राइव सबसे पहले मैंने परचेज की थी, यही करीब अगस्त या सितंबर की बात है। फिर धीरे धीरे उससे वैसे ही पढ़ना चालू किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, और मैंने जो पिछले साल अपने जितनी भी कमियां थी उसको सबसे ज्यादा दूर करने की कोशिश की, जितना भी डर था, जैसे कई बार होता है कि जब पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, पर जब वो एट द एंड वो 2 आवर्स जब आपके सामने आते हैं, जब लैपटॉप के सामने आप बैठते हो, तो बहुत ज्यादा उसमें एक बर्डन भी होता है, बहुत ज्यादा डर हो जाता है उस 2 घंटे में।
सही बात उसकी है, वजह से रैंक कई बार बहुत अच्छे स्टूडेंट भी अपना बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, उनका पूरा साल खराब होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो उस स्टार्टिंग से इतने मॉक टेस्ट दिए कि पूरे उस डर को हटाना था इस साल कि नहीं, उस डर को बहुत अच्छे से हटाया, फिर भी कहीं ना कहीं 5% डर रह गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हुआ, बाकी रैंक तो अच्छी आई, वो सब आपकी वजह से ही है। एक एक या दो क्वेश्चन का अंतर पड़ता है, अगर आपका एकाध क्वेश्चन और सही होता तो आप टॉप 10 में भी हो सकते थे, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हर्षिता क्या होता है कि ये सेकंड ड्रॉप लेना, ये बहुत मतलब कम लोगों में ये डिसिप्लिन होता है, नहीं तो लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और स्पेशली गर्ल्स के साथ। ये बिल्कुल सही बोला कि घर वाले ये बोल देते हैं अब आपके ऊपर है सब, सब हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि जो तुम्हें करना है, तो उसमें और हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है कि अब सबने हम पे छोड़ दिया है। अच्छा, तो ये अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज होता है। तो ये जो आपने बात बोली बिल्कुल सही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमें अपनी कमियां समझनी थी, तो वो आपने कमियां भी समझी, उन कमियों को दूर भी किया, और उसके साथ घर पर रह के कितने डिसिप्लिन से पढ़ाई की, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है आपकी लाइफ का। तो जी ये बताओ आपकी, आप जब टेस्ट देते थे, और कई बार टेस्ट में, क्योंकि इम्पिटस के टेस्ट कई बार टफ होते थे, कई बार इजी हम लोग हर तरह के रखते थे, तो जब टेस्ट टफ आता था और कई बार स्कोर नहीं आता था तो क्या मन में थॉट आते थे? क्योंकि कई बच्चे जो अभी जूनियर जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए ऑनलाइन ऑफलाइन, टेस्ट में परफॉर्म नहीं आता एक बार में तो एकदम से परेशान हो जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि सर जितने भी टेस्ट दिए हैं उनका एक अच्छी तरह से एनालिसिस किया, जैसे कि आप कहते रहते हैं कि कम से कम 6 घंटे उस एनालिसिस को दिए हैं हमने, जितना टेस्ट पेपर पे वर्क नहीं किया उतना ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा हमने वर्क किया, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये सारा लिखा, कितने क्वेश्चंस आए ये लिखा, और कितने हम नहीं कर पाए, कितने हमने अटेम्प्ट किए, कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, और जो रॉन्ग हुए उसका बेसिक रीजन क्या रहा। कई बार तो ऐसा रहता था कि छोटी सी एक माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक से बहुत बड़ी गलती हो जाती थी, सही बात है। फिर बाद में जब तो रियलाइज किया कि नहीं ये बहुत मतलब भारी पड़ेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आफ्टरऑल मैथ का 12 मार्क्स का होता है जो रीजनिंग के 2 मार्क्स के बराबर है, तो मैथ पे तो बहुत ज्यादा वर्क किया है क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं हम मैथ में। पर फिर धीरे धीरे मैथ में, क्योंकि एक बेसिक होता है सब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन आप अलग तरीके से करते हो, और एक ऑप्शनल जो एग्जाम है कई बार क्वेश्चंस जो है उसको पढ़ने और उसके ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाता है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स पे बहुत ज्यादा इस बार वर्क किया और उसका फायदा उसका मिला, एंड रिजल्ट अच्छा मिला। देखो एंड रिजल्ट जब अच्छा होता है तो अंदर से बड़ी खुशी होती है। जब हमने ड्रॉप लिया फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप तो मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि क्या होगा, पर जब अंत रिजल्ट अच्छा आता है तो हमारी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, और एक कंप्रोमाइज जीवन की कई चीजों को बचा लेता है, ये आपसे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो हर्षिता आपको एक बार फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप आगे भी अच्छे से बढ़ो, और ऐसे ही आप त्रिची जाके या सूरतकल जाके ऐसे ही बेस्ट परफॉर्मेंस दो, और अपने लाइफ में आप उन सभी लोगों को जो बहुत जल्दी जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं उनको ये अपने आप को एक एग्जाम्पल बताओ, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल हो। जैसे क्या होता है कि जब कोई फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में हारने के बाद जब जीतता है तो उन लोगों के लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करते हो आप, कि जो लोग कई बार रुक जाते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आपको ऐसे लोगों को भी आगे प्रमोट करना है और जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट आपको, आपके परिवार को, सभी को इस अच्छी सी रैंक के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि आप कोई अपनी तरफ से कोई इम्पिटस गुरुकुल के बच्चों को, या जो बच्चे इम्पिटस गुरुकुल से किसी ना किसी तरह से जुड़े, क्योंकि आज लगभग हर बच्चा जुड़ा है, क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो हम आपको और प्रतीक सर को बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे, क्योंकि प्रतीक सर ने भी जो लास्ट में जो मॉक टेस्ट होते थे उसके एवरी संडे, पहली बार तो मॉक टेस्ट होता था, उसके बाद जो मंडे को वो एनालिसिस देते थे हम लोगों को, रैंक का एनालिसिस देते थे कि इस तरीके का अगर पेपर है तो टॉप 10 कितने पे जाएगा और टॉप 50 कितने पे जाएगा, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन बना रहा है पूरे समय में। और लास्ट में पूरे इम्पिटस के जितने भी स्टूडेंट है उनको यही कहेंगे कि जब तक आपको आपका ड्रीम एनआईटी मिल नहीं जाता तब तक आप छोड़िए नहीं, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जरूरी नहीं है कि आप 6 घंटे 8 घंटे इतना ज्यादा देने लगो, क्योंकि कई बार ऐसे में बोरियत होने लगती है, सही बात तो है। थोड़ा थोड़ा ही दीजिए,
उसको प्रॉपर, क्योंकि कई लोग होते हैं कि ये पूछने लगते हैं कि इतनी मोटी बुक्स हैं, इनको सॉल्व कैसे करें, स्टार्ट ही नहीं करना चालू करते हैं। और इस साल तो मैंने कोई बुक, इवन आरडी शर्मा वगैरह, कोई बुक सॉल्व नहीं की है। सबसे खुशी मुझे इसी बात की है कि मैंने किसी बुक को नहीं पढ़ा है इस साल अच्छे से। मैंने सिर्फ सब्जेक्टिव बुक किया है, आपके सारे टेस्ट पेपर्स किए हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने बहुत दिए हैं। हर दिन कम से कम दो दो तीन तीन लास्ट में मैंने उसे सॉल्व किया है, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला है मुझे। ये बहुत अच्छी बात बोली हर्षिता आपने। मैं कई बच्चों को ये बोलता हूँ कि क्या होता है, कई बच्चे कई कई गाइड सॉल्व करने में लग जाते हैं, जबकि मैं बोलता हूँ एक बेस बुक और जो हम स्टडी मटेरियल दे रहे हैं वही पूरा अच्छे से कर लो, उसका एनालिसिस कर लो, काम हो जाएगा। क्योंकि कई बार जब हम ज्यादा मटेरियल सॉल्व करते हैं तो हम एनालिसिस कम करते हैं या हम अधूरा करते हैं, और वो ज्यादा खतरनाक है कंपेयर टू कि हम कम करें। तो ये जो आपका की सक्सेस की का सबसे बड़ा फॉर्मूला आपने बताया, और ये मैं हर बच्चे को कहना चाहूंगा कि ज्यादा गाइड सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, लिमिटेड चीजें करो पर एनालिसिस ज्यादा करो, और वो आपने पूरी तरह से किया और आज आपके पास उसका रिजल्ट भी है। कई बार ऐसा ही होता है जैसे कई बच्चे की मैं ये गाइड भी कर लूँ, ये भी, ये नहीं किया तो ये होगा, और उसी चक्कर में कई बार कंफ्यूज होते हैं और रिजल्ट बिगड़ जाता है। और देखो आपने इन सबको नहीं किया, उसका एंड रिजल्ट कितना अच्छा आया। और दूसरी बात मैं हर बच्चे को बोलूंगा, और आपने आपके पूरे इंटरव्यू में दिख रहा है कि आपने बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडली फॉलो किया इम्पिटस, जो बातें हमने बोली, सर ने बोली, प्रतीक सर ने, वो सब आपने उसको मानी और उसका देखो रिजल्ट आपको मिला, तो ये अच्छी बात है। इवन सर आपकी एक फॉर्मूला ट्रिक भी बहुत अच्छी रही है मेरे लिए, तो कि जब जब 5 मिनट या 10 मिनट का भी टाइम मिलता था कोई चैप्टर, तो बस कॉपी उठा के हम उसको पूरा फॉर्मूला लिखना चालू कर देते थे। वेरी गुड, इससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलिए, फॉर्मूला से बार बार रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। वेरी गुड हर्षिता, आपने मतलब मुझे, मेरे को लगता है आप जो बोला वो सब बातें बहुत अच्छे से ब्लाइंडली फॉलो की। बच्चों आपको भी मैं बोलना चाहूंगा, कई बार कई बच्चे सोचते हैं पढ़ाई मतलब 2 घंटे, पर पढ़ाई 5 मिनट में भी होती है, 10 मिनट में भी। जब भी 5-10 मिनट मिले ब्लैंक पेज पे फॉर्मूले लिखो, और वो भी आपने किया। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पर इन छोटी छोटी चीजों से एक बाद में एक बहुत बड़ा रिजल्ट बनता है, और वो आपका एक सामने है रिजल्ट। चलो हर्षिता थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन, ऐसे ही खुश रहो और खूब आगे बढ़ो जीवन में। थैंक यू सर। थैंक यू।